फूल चाहिए। हाँ फूल किनारे कर दीजिए, यहाँ पे वहाँ रखिए, वो लक्ष्मी यंत्र है, और यहाँ जो है शालिग्राम को, शालिग्राम जी को तुलसी मत निकालिएगा उनकी। मैं कभी नहीं हटा, तुलसी की माला हटा सकते हैं, तुलसी नहीं, इसलिए हमने नीचे भी तुलसी रख दी है, वहीं रख दीजिए। चलिए शुरू करें। हाथ में एक पुष्प लीजिए, पहले भगवान का ध्यान कीजिए। हरि ओम मा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री शालिग्राम शिलायै नमो नमः प्रणमामि नमामि च। या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभरणमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मी दिव्यै स्वरूपै मणिगणखचितै स्नापिता हेमकुंभै सा लक्ष्मी पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता महालक्ष्मी नमो नमः प्रणमामि नमामि च। पुष्प अर्पित कर दीजिए, कहीं भी अर्पित कर दीजिए। हाँ फूल सीधा, हाँ चार बार भगवान को जल, पहले नारायण को फिर लक्ष्मी जी को, पहले चार बार जल चढ़ाइए। हरि ओम मा पाद्य हो पाद्यम समर्पयामि हस्त्यो हो अर्घ्यम समर्पयामि मुखे याचमनीयम समर्पयामि सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। हो गया। चलिए अब जो है भगवान को पंचामृत, उसको अंतिम में जाएगा पंचामृत से। पंच नदियः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सुदेशे भवत्सरित पंचामृतमयोनीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करा च समयुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृहीयताम् स्नानार्थं प्रतिगृहीयताम्। ओं पंच नदियः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सुदेशे भवत्सरित पंचम स्नानान्तर्गते शुद्ध जल स्नानम्, एक एक चम्मच शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल स्नानम समर्पयामि शुद्ध जल स्नानान्तर्गते सकल पूजार्थे परिपूर्णार्थे गंधाक्षत पुष्पाणीं समर्पयामि। एक पुष्प चढ़ाइए, हाथ जोड़कर भगवान, कहीं भी चढ़ा दीजिए, हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए। अब जो है थाली में से अर्पित किया गया कोई भी फूल उठा लीजिए, थाली में से आंखों में लगाइए, सुगंध लीजिए, बहुत सुंदर माल्य पात्र में रख दीजिए। हाँ जल धर्मपत्नी को नहीं दिए ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए। नेहा जी बड़ी आशा से हाथ रखी थी। चलिए हस्तौ प्रक्षाल्य, हाथ थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिए। पुनः अभिषेक प्राप्त्यर्थे पुष्पम समर्पयामि, एक पुष्प फिर से अर्पित कीजिए भगवान को। अब जो है नारायण को पंचामृत अथवा दूध के माध्यम से, लक्ष्मी जी को पंचामृत अथवा दूध के माध्यम से अभिषेक कराना है, जो आपकी व्यवस्था है। क्या दूध है? दूध और एक थैली भी ऊपर रखे। हाँ जैसा कहिए आप, जैसा दूध सबसे उत्तम है तो दूध से करते हैं। हाँ, कैंची तो रखी थी, कैंची आपके पास ही होगी। शंख दे। हाँ शंख दे, तो वो तृप्ति निकाले क्या? नहीं नहीं यार, तुम बन जाएगा, बन जाएगा, शंख से ही बन जाएगा। इसको पलट ले क्या इसी में? हाँ ऐसे पलट। हाँ आधा लीटर पूरा तो नहीं आएगा ना। आप एक मिनट, एक काम करते हैं, ये भी है मेरे पास। वाह सबका प्रयोग हो गया। चांदी वाला ग्लास भी तो था उसमें। हाँ कुछ है, उसमें कुछ नहीं है, चांदी वाला रख लीजिए। वाह जिस दिन पूजन होता है प्रभु जी, उस दिन अगले दिन एक घंटा तो साफ साफ सफाई में लग जाता है। एक घंटे से अरे थैली उसमें हटा दो, कोई हटा दीजिए, हटा दीजिए। मुझे पता है कि उसमें समय लग ही जाता है, खाली साफ सफाई में एक घंटा लगता है। अभी ये कार्य ऐसा, इसमें किसी की सहायता भी नहीं ली जा सकती। हाँ सवाल ही नहीं उठता। चलिए शुरू करें। पहले नारायण जी, पहले नारायण जी का दिया सोच। हरि ओम मां करते हैं, इससे करते हैं। हाँ, है ना, अपनी व्यवस्था देखिए। हरि ओम मां ओम सहस्राशी रेखा पुरुखः। शालिग्राम का स्पर्श नहीं करना है नेहा जी आपको, ठीक है ना?
ओम सहस्र श्री रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमि गुम सर्वत श्रुतवाद त्रिशदसांगुलम मा पुरुष एवेद गुम सर्वंजित भूतंज भाव्यम मा उताम शेषानोज तन्नेनातिरोहति एताब्बानस्य महिमा तो ज्यायाश पुरुष पादोश विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वौ दैत पुरुष पादोशेह भूत पुनः ततो विक्रम शासनान सने भीतत विराट जायत विराजोधि पुरुष स जातो तीर्यत पश्चात भूमिमतो पुरः तस्माद्ज्ञा सर्वभूत संभृतं बृहदाज्यम मा अपसंस्थांसकरे वायव्यानारण्या ग्राम्य ब्राह्मणोजायत लक्ष्मी जी पर हरि ओम मा ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रतस्याम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावहताम महावहजातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम श्याम हिरण्यम विन्देयम गामश्वम पुरुषानम अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाथ प्रमोदिनीम श्रीम देवीम उपफये श्रीर्मा देवी जुष्टाम कामसोस्मिताम हिरण्यप्राकाराम आर्द्रांजुलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मेशताम पद्मवर्णाम तामिहोपफये श्रियम चंद्रां प्रभासाम सदा ज्वलंतीं श्रीमलोके देवजुष्टां उदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्य लक्ष्मीर्मेण नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्थौ वृक्षोदपिलभतस्य फलं तपसान्तो मायान्तराया स्वाहया लक्ष्मी उपयितु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतं समृद्धिं च सर्वान्निरुणुतु मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षान् नित्यपुष्टां करिष्णामि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपफ्वेष्यं मनसः कामा कोतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीशयतामि सह कृतमेन प्रजा भूतामयि सम्भवकृतम श्रियं भाषय मे कुले मातरं पद्मालिनीं आपासजन्तुस्निग्धानि चिक्लेतपस्मे गृहे निशदेवीं मातरं श्रियं भाषय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम्मार्द्रम यह करणीम यष्टिम सुवर्णाम हिमालिनीम सूर्याम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावह ताम्मावह जातवेदो लक्ष्मीम अनुपगामिनीम स्याम हिरण्यम प्रभूतम गावो दास्योऽश्वान् विन्देयम् पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्जवन्वहम् सूक्तम् पञ्चदशरचञ्च श्रीकामः सततं जपेत।